फैंटेसी अखाड़ा टिप ऑफ द डे। देखिए जी, ये मैदान जो है आज आपको लगता है कि ये फास्ट बॉलर को बहुत मदद करता है, स्पिनर के लिए इसमें कुछ नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, राशिद खान 4.9 या 4.3, दैट्स इज इकोनॉमी एट द वानखेड़े स्टेडियम। और स्ट्राइक रेट भी कमाल कर रहा था, विकेट चटकाते हैं दीपक हुडा, मनीष पांडे, केएल राहुल, सब इनके सामने स्ट्रगल करते हैं। आई एम सेइंग not just pick Rashid Khan but also make him maybe the captain or the vice captain maybe, it's not a bad option actually, that's the tip. चलिए तैयारी हो रही है यहाँ पे, स्टूडियो भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। फॉर्चुनेटली टॉस के टाइम पे फ्री हूँ, टॉस के बाद मैं थोड़ा सा फ्री हूँ बिफोर इट ऑल स्टार्ट्स अगेन, तो फिर अपनी टीम में पोस्ट करने वाला हूँ और बहुत सारी ऑफर्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, पूरे IPL में आपके साथ मैं रहने वाला हूँ। फैंटेसी क्रिकेट ना साथ में खेलेंगे यार, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे खेलेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, मैजिक करेंगे और कमाल है। ध्यान से खेलना, समझ के खेलना, संभल के खेलना, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट। फैंटेसी अखाड़ा टिप ऑफ द डे, देखिए ईशान किशन, ईशानदार किशन, इनका जो बेस्ट स्ट्राइक रेट और बेस्ट एवरेज जो है ना, अगर हम IPL के इनके करियर की बात करें, इट्स अगेंस्ट द दिल्ली फ्रेंचाइज, तो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट ये हमेशा अच्छा करते हैं, सोहेल से पिक हिम। और दूसरा जसप्रीत बुमराह, इनके आंकड़े भी अगर आप देख लेंगे ना सामने वाली टीम के सामने, मतलब दिल्ली के तो पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, बहुत विकेट इन्होंने चटकाए। इनफैक्ट ऋषभ पंत को पिछली 12 पारियों में 6 बारी आउट कर चुके हैं, तो मेरे विचार में इनफैक्ट ये टिप नहीं है, टिप्स हो गई कि ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, ये दो खिलाड़ी अपनी टीम में जरूर रखना, एंड यू कैन कंसिडर बोथ फॉर द कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन एज वेल। सोचो, फैंटेसी अखाड़ा इज द प्लेस टू गो।